दोस्तों बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, सवाल आते हैं, फ़ोन आते हैं, सर दीवार के पास से शेड में से पानी लीकेज हो रहा है, क्या करें, सोल्यूशन क्या करें, सिलिकॉन लगाएं, एमसील लगाएं, पानी कैसे रोकेंगे। तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। हमारे पास एक शेड है, हमने अभी अभी लगाया है शेड। ये जो शेड आप देख रहे हैं, यहाँ पर दीवार के पास से पानी लीकेज होगा अगर यहाँ पे कुछ जुगाड़ नहीं करेंगे तो। यहाँ पे हमने एक शीट तैयार करी है जो लगाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीवार के पास से जो लीकेज हो रही है उसको कैसे रोकेंगे। तो इसके लिए हमने ये वाली शीट, हमारे पास एक्स्ट्रा थी, ये इतना पीस है प्रोफाइल शीट का, 14 फिट लंबा ये पीस है। तो इसको दीवार के पास सेट करेंगे। इसके लिए हमें सामान चाहिए, एक तो लंबे वाले सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू जो शेड में लगते हैं, एक छोटे वाले सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू, और एक ड्रिल मशीन, और एक फास्नर। आपको फास्नर चाहिएंगे, 15 रुपये का एक मिलता है मार्केट में। और ये, इसको बोलते हैं लुक वासल बोलते हैं हम, आप देख लेना क्या बोलेंगे इसको। और एक ये वाली वासल भी चाहिए, लोहे की बनी हुई है। तो ये सब लगाएंगे, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है, और सिलिकॉन भी चाहिए लास्ट में। यहाँ पे इस किनारी पे सिलिकॉन लगेगा। और इसके अलावा आपको एक ड्रिल मशीन चाहिए, ड्रिल मशीन के अंदर बिट वाला वर्मा होना चाहिए। और ये हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन गन भी है, अगर आपके पास गन नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा। ये एशियन का, यूनिवर्सल एशियन पेंट्स का सिलिकॉन, और इसके साथ है कि ये आता है, ये 120 रुपये का। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और समझें पानी लीकेज कैसे रोकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं दीवार के पास जो गैप आ रहा है, यहाँ पे कितना भी ध्यान आप कर लोगे शीट लगाते समय फिर भी दीवार के पास गैप आ ही जाएगा। कभी कभी दीवार सीधी नहीं होती तो उसकी वजह से भी गैप आ जाता है। तो इस गैप को कवर करने के लिए हमने ये शीट का एक टुकड़ा हमारे पास बचा हुआ था, तो इसे यहाँ पे किस तरीके से एडजस्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। शीट का एक सिरा पकड़ के दीवार के साथ टच कर देंगे और शीट को शीट के साथ बिल्कुल सही सही मैचिंग कर लेंगे, ताकि नीचे भी शीट में भी स्क्रू लग जाए, ऊपर उठे हुए भाग में, और दीवार पे भी स्क्रू लग जाए। शीट के अंदर हमने 5 होल डाल रखे हैं पहले से, जो कि दीवार के साथ फास्टनर के साथ हम फिक्स करने वाले हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। ये दोस्तों हमने शीट को सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं पूरी शीट टच हो गई है दीवार के साथ, और यहाँ पर लास्ट में अब सिलिकॉन लगाना है। तो सबसे पहले मैं होल निकाल रहा हूँ। दोस्तों एक सुराख मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे सबसे पहले ये वाली वाशल, और इसके बाद ये रबड़ की या लुक वाशल बोलते हैं इसे, ये लगेगी। ये लगाने के बाद ये जो फास्टनर है इसको यहाँ पे ठोक देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गैप नहीं है, एकदम पूरा फिटिंग आ गया है। और इसके बाद दोस्तों हमारे फास्टनर लग चुके हैं, और अभी हमें ये सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू 20 mm के, 1 रुपये का एक मिल जाता है मार्केट में, ये लगाएंगे। ये जो शीट है यहाँ पे ऐसा वाला घोड़ा है, तो घोड़े के ऊपर ऊपर 5 स्क्रू लगाएंगे। ये पहला, तो ऐसे ही ये शीट रह जाएगी।
दोस्तों ऐसे हमने स्क्रू लगा दिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे थोड़ा थोड़ा सिलिकॉन लगाना है ताकि इसमें से पानी अंदर ना जाए। ये शीट आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरा एकदम टच है। कहीं कहीं 1 mm इसके अंदर गैप आएगा, बाकी गैप नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में सिलिकॉन लगाना है। तो दोस्तों ये हमारा सिलिकॉन गन। अगर आपके पास गन नहीं है तो आप कोई हथौड़ा कोई और सामान लेके उससे भी धकेल सकते हैं। जैसे इसको धकेलेंगे इधर से तो ये आगे से सिलिकॉन रिलीज होगा। तो यहाँ पे अब हम सिलिकॉन लगाएंगे। हाथ मार दे सिलिकॉन के ऊपर। तो दोस्तों अभी हमारा सिलिकॉन सेट हो रहा है। ये सिलिकॉन जैसे सिलिकॉन लग रहा है ऐसे आपको सिलिकॉन लगाना है। अगर यही चीज पीछे की साइड में दीवार से लीकेज हो रही है तो उसका भी मैं आपको एक छोटा सा समझा देता हूँ कैसे करना है। उसके लिए मान लीजिए यहाँ पे आपकी दीवार है और यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल लेना है 2 इंच एक सूत का एंगल, एल जैसे होता है एंगल, और एंगल को दीवार के अंदर सुराख मार के लगा देना है एंगल को, और जो ये साइड आ रही है उसके यहाँ पे स्क्रू मार देने हैं एंगल के। ऐसे एंगल लगाना है दीवार के साथ और यहाँ पे स्क्रू मार देने, और इसके अंदर सीमेंट या वाइट पुट्टी डाल देनी है इसके अंदर जो गैप बच रहा है। तो जो दीवार के ऊपर से पानी आएगा दीवार के साथ जो पानी आएगा वो सारा पानी इसके साथ लगते हुए आगे आ जाएगा और वापस तो जा नहीं सकता क्योंकि वो साइड हाइट है, इधर डाउन है। और ऊपर से एंगल के ऊपर का जो सिरा है जो ऊपर रहता है ये वाला, उसके आपको ऐसे ही सिलिकॉन लगाना पड़ेगा। जो एंगल के ऊपर का सिरा है उस पे आपको जैसे हमने यहाँ पे सिलिकॉन लगाया है बिल्कुल ऐसे ही सिलिकॉन लगाना पड़ेगा। ये सिलिकॉन लग गया और अब इसको थोड़ा बहुत सेट कर देना है हाथ से, बाकी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेट हुआ पड़ा है। मोटा मोटा सिलिकॉन लगा दे, पानी की बिल्कुल लीकेज यहाँ पे नहीं होगी। अब ये एकदम तैयार है। ये हमारे पास शीट का टुकड़ा पड़ा था, अगर टुकड़ा नहीं हो तो मार्केट से जाके लेके आ सकते हैं छोटे पीस। पूरी शीट लेके आए उसके 2 पीस करें और 2 पीस लंबे करके बीच में से कटिंग करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। ये हमारी कोर्डलेस ड्रिल है आईबेल की, इसका कंप्लीट रिव्यू आपको ऊपर आई बटन में देखने मिल जाएगा। लगभग 9 से 10 महीने इसे लाए हुए हो गए हैं, अच्छी चल रही है, दीवार में भी होल कर देती है, आपके सामने मैंने किए हैं, और शीट में भी इसी से हम सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू लगाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा मैं एवरी संडे रात को 9 बजे लाइव आता हूँ। आपका कोई सवाल सुझाव या अनुभव हो तो आप मेरे साथ आके साझा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वह घंटे का बटन जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा सिलिकॉन लग चुका है, आप देख सकते हैं दीवार के पास, ध्यान से देखें। यहाँ पे हमने ये ऊपर से एक शीट लगा के ऊपर सिलिकॉन लगाया है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी इस शेड में से लीकेज की कोई भी चांसेस नहीं है, तो ऐसे ही आप भी लगा सकते हैं।